कुछ और अहम खबरों पर अब बात कर लेते हैं। 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण जारी। लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वे में जीडीपी के 6.5% रहने के अनुमान है और जिस तरह से आज से संसद के बजट की शुरुआत हुई, बजट सत्र की, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दौरान अभिभाषण भी दिया और अभिभाषण के दौरान सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई गई, जिस तरह से ये परंपरा रही है अभिभाषण के दौरान सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जाता है। हालांकि शुरुआत आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पहला अभिभाषण दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने और संसद के बजट सत्र का आज से आगाज हो गया। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा कि देश में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है। सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी उन्होंने जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अमृतकाल का यह 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। हमारे लिए युग निर्माण का अवसर है। हमें ऐसा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भर हो और जो अपने मानवीय दायित्व को पूरा करने में समर्थ हो। और शुरुआत हुई अभिभाषण के साथ और कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ये बजट पेश किया जाएगा और जो उम्मीदें लगातार की जा रही हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव इस बार संभव है।